ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के बारे में। भौतिक सुखों को देने वाला शुक्र ग्रह, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर यह ग्रह ठीक हो तो आपकी जिंदगी के अंदर ऐश्वर्य स्वयं चल कर के आप तक पहुंचेगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि जीवन के अंदर व्यक्ति को लग्जरी लाइफ देने के लिए जाने जाते हैं, इनके विषय में एक रोचक बात मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा शुक्र ग्रह को मजबूत और ठीक करने का वो आसान सा उपाय जिसे करके आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुक्र ग्रह के बारे में यानी कि शुक्राचार्य जी के बारे में एक विशेष बात आपको बताता हूँ। एक बार की बात है कि वामन अवतार जब भगवान श्री विष्णु ने लिया, उस समय पर राजा बलिक से 3 पग जमीन मांगने के लिए भगवान विष्णु ने ये अवतार धारण किया था। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जब इस बात का पता लगा तब उन्होंने एक छोटा रूप रख करके भगवान श्री वामन जी के कमंडल में, जिस कमंडल से जल लेकर के वो राजा बलि को संकल्प कराने वाले थे, उस कमंडल की टोंटी के अंदर शुक्राचार्य जी बैठ जाते हैं। और शुक्राचार्य जी उस टोंटी के अंदर बैठ जाते हैं तब भगवान विष्णु के द्वारा संकल्प के लिए जल नहीं निकल पाता। तब भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि शुक्राचार्य जी ने इसको बंद कर दिया है। तब वो जमीन से कुशा उठाकर उस कुशा से उसके छिद्र को खोलते हैं और ऐसा करने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की एक आँख जो है वो डैमेज हो जाती है, फूट जाती है। तब से लेकर अब तक शुक्राचार्य जी को एक आँख वाला कहा गया है और उनकी जो एक आँख है जिससे वो देखते हैं वो एक आँख है भौतिक सुखों की। जो आध्यात्म वाली आँख है वो बंद है। इसी कारण से शुक्र ग्रह जब किसी को देने पर आता है तो उसे भौतिक सुखों की छड़ी लगा देता है, यानी कि इतना देता है कि व्यक्ति जीवन के अंदर ऐसा महसूस करता है जैसे कि वो जीवन में स्वर्ग भोग रहा हो। स्वर्ग में जो आनंद है वो अपने जीवन काल में ही वो प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, ये थी शुक्राचार्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति का है तो आपको मैं एक बात बताऊं, एक ऐसा उपाय मैं देने जा रहा हूं जिसको यदि आपने कर लिया तो आप यकीन मानिए आपका शुक्र बहुत शानदार हो जाएगा। क्योंकि शुक्र ग्रह को अग्नि से जोड़कर देखा गया है, क्योंकि इनको कहा गया है कि ये अग्नि के देवता हैं। अब कैसे, तो इनकी उत्पत्ति के विषय में कोई एक कथा आती है, अगर मैं ऐसा उसको बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि शुक्र को अग्नि माना गया है, अग्नि तत्व माना गया है। यदि आप एक चीज पर गौर करें कि जो दिवाली आती है, ये दीपावली राहु के नक्षत्र में मनाई जाती है। अब राहु के नक्षत्र में ही क्यों मनाई जाती है सोच के देखिए, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के परम शिष्य हैं राहु, और इन दोनों का जो मेल है वो अपने आप में इतना विशाल है कि राहु छप्पर फाड़ कर देते हैं और शुक्राचार्य जी ऐश्वर्य भोग आराम ये सब प्रदान करते हैं। इसीलिए दीपावली की रात्रि में माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है ताकि व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो। तो राहु और शुक्र का जो मेल है या राहु शुक्र का जो देने का योग है वो अपने आप में बहुत प्रबल है और कलयुग के ये दोनों ही प्रबल देवता कहे गए हैं। अब ऐसे में ये आपने देखा होगा कि दीपावली पर दीपदान किया जाता है। अब ये जो दीपदान है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि जब दीपक का आप दान करते हो, किसी मंदिर में दीपक का दान करते हो तो, या शिवालय में स्पेशली जब आप दीपक का दान करते हो तो इससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी प्रसन्न होते हैं, साथ में राहु ये प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जो दिया है, दिया देसी घी का बनाया जाता है और इसमें सरसों के तेल का प्रयोग भी किया जाता है, वो अलग दीपक होते हैं। मैं पूरा विधान आपको बताऊंगा, यदि आप उस विधान को आपने कर लिया तो आप अपने जीवन में स्वयं चमत्कार देखेंगे। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हुए मैं आपको उपाय दे रहा हूं। अगर आप शुक्र से पीड़ित हैं, शुक्र कमजोर है, वैवाहिक जीवन में कष्ट है, लाइफ में लग्जरी नहीं आ रही है, मेहनत कर करके थक चुके हो और कोई भी कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है,
तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपके शुक्र और आपके राहु, ये दोनों ग्रह इस उपाय से ठीक होंगे। करना क्या है आपको, आटे के ये याद रखिएगा कि आपको दिए दो में से कोई एक प्रकार का आप ले सकते हो, या तो आपको दिया लेना है आटे का या आपको दिया लेना है मिट्टी का, इसके अलावा किसी और चीज़ का दिया नहीं चलेगा। या तो आटे के दिए बना लीजिए, आटे के दिए बनाने हैं आपको सात, और मिट्टी के दिए अगर आपको लेने हैं तो मिट्टी के भी दिए आपको साथ ही लेने हैं। इसमें से पांच दिए आपको देसी घी के बनाने हैं। याद रखिएगा इसमें जो बत्ती पड़ेगी वो लंबी बत्ती पड़ेगी, खड़ी बत्ती नहीं पड़ेगी। तो सात पांच दिए आपको बनाने हैं देसी घी के, और दो दिए बनाने हैं आपको सरसों के तेल के। और इन दियों को लेकर के आप भगवान शिव के मंदिर जाइए। दिन जो रहेगा इसके लिए विशेष दिन रहेगा अमावस्या का दिन, जी महीने में सिर्फ एक बार अमावस्या। और यदि महीने में चार बार आप इस उपाय को करो तो शुक्रवार का दिन लीजिए, तो आनंद ही आ जाएगा। तो क्या करना है, या तो प्रत्येक शुक्रवार को या महीने में सिर्फ एक बार अमावस्या को पांच दिए देसी घी के जला करके भगवान सदाशिव के मंदिर में, भगवान सदाशिव के सामने आपको लगाने हैं। और जो दो दिए होंगे सरसों के तेल के, वो आपको देसी घी के दिए से थोड़ा सा हटाकर, ये भी भगवान सदाशिव के सामने दो दिए आपको सरसों के तेल के जलाने हैं। ये दो दिए जो सरसों के तेल के हैं ये राहु के निमित्त हैं, और जो देसी घी के दिए हैं वो शुक्रदेव से संबंधित हैं। आप दिए दान करके देखिए। और इसको विशेष करने के लिए इसमें एक काम और करना है आपको, कि आपको सात पान के पत्ते लेने हैं, और सात पान के पत्तों को नीचे लगा दीजिए दिए के, और उसके ऊपर रख करके आप दिए जलाइए। फिर देखिए आनंद आ जाएगा, बुध का भी सहयोग आपको मिल जाएगा इसमें, और फिर आपका बुध शुक्र और राहु ये तीन ग्रह आपके शुभ हो जाएंगे और जीवन में चमत्कार आपको स्वयं दिखाई देगा। मित्रों इस उपाय को जरूर कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।